दोस्तों, फैमिली ड्रामा फिल्म जुग जुग जियो आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को रिलीज होते ही पब्लिक की तरफ से काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार ओपनिंग ले ली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुग जुग जियो फिल्म के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म का बजट कितना है, फिल्म को दुनिया भर में कितने स्क्रीन पर रिलीज किया और फिल्म ने पहले ही दिन कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, फैमिली ड्रामा फिल्म जुग जुग जियो जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज मेहता ने, जो इससे पहले सुपरस्टार अक्षय कुमार के ब्लॉकबस्टर फिल्म गुड न्यूज को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर, नीतू कपूर और सपोर्टिंग कास्ट में है मनीष पोल और प्रजक्ता कोहली। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर पहले ही काफी ज्यादा सुपरहिट हो चुका था, उसके बाद फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा खासा चल चुका था। लेकिन दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां पर फिल्म को लोगों को दिखाया था, वहां से फिल्म के जो रिव्यूज है वो काफी पॉजिटिव आए थे। तो पॉजिटिव रिव्यूज आने की वजह से फिल्म का जो बज है वो रिलीज होने से पहले काफी अच्छा बन चुका था और इसी की वजह से फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया ओपनिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म के कलेक्शन की तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इस फिल्म का बजट, रिकवरी और स्क्रीन काउंट। तो दोस्तों, यहां पर जुग जुग जियो फिल्म का जो टोटल बजट है वो है 70 करोड़ रुपए का, लेकिन फिल्म ने रिलीज होने से पहले अपने बजट के लगभग आसपास के कमाई कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जुग जुग जियो फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है यानी कि OTT के राइट्स, वो बिके हैं 32 करोड़ में, जिसे खरीदा है Amazon प्राइम ने। वही दोस्तों, इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है यानी कि TV पे दिखाने के राइट्स, वो बिके हैं 19 करोड़ में, जिसे खरीदा है कलर सिनेप्लेक्स ने। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक राइट्स 8 करोड़ में बिके हैं, जिन्हें खरीदा है टी सीरीज ने। तो दोस्तों, यहां पर जुग जुग जियो फिल्म के जो प्रोड्यूसर है करण जौहर, वो इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से पहले ही इसके डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइट से बेचकर 59 करोड़ यानी कि 59 करोड़ की रिकवरी कर चुके थे। यानी कि अब फिल्म सिनेमाघरों में जो भी कमाई करेगी वो एक तरह से करण जौहर के लिए एक बड़ा फायदा देने वाली है। लेकिन बात करें कि फिल्म को कितने स्क्रीन पर रिलीज किया है, तो दोस्तों जुग जुग जियो फिल्म दुनिया भर में यानी कि वर्ल्ड वाइड 4000 से भी ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई है और फिल्म को रिलीज होते ही पहले दिन काफ़ी बढ़िया ऑक्यूपेंसी भी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में आज 13-16% के बीच की ऑक्यूपेंसी मिली है, जो कि एक मिड बजट फिल्म के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। तो फिल्म की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी तो जहाँ एक तरह से ठीक ठाक है, लेकिन अच्छे रिव्यूज होने की वजह से फिल्म के नाइट और इवनिंग की जो बुकिंग है वो काफ़ी सॉलिड हो चुकी है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक जुग जुग जियो फिल्म अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 11 करोड़ का कर रही है, जिसमें इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 13 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगा। वही दोस्तों, ये फिल्म अपने पहले दिन ओवरसीज मार्केट से लगभग 3 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है। यानी कि दोस्तों, जुग जुग जियो फिल्म का जो अर्ली एस्टिमेट फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो लगभग 16.5 करोड़ का हो रहा है। बता दो दोस्तों, ये मॉर्निंग शोज के हिसाब से प्रेडिक्शन है, अब फिल्म को नाइट और इवनिंग शोज में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद शायद फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन प्रेडिक्शन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अभी तक की आई रिपोर्ट के हिसाब से ये फिल्म पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 11 करोड़ का कर रही है, वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 16.5 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, अब देखना है कि इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कहां तक जाता है, क्योंकि फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट है, अच्छे रिव्यूज है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन मिनिमम 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है जुग जुग जियो फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।